सकल साथ रखे कोई वचन विसारो जी, धाणी मल्या आपणनी मायामां अवसर आज तमारो जी, अवसर आज तमारो जी। सकल साथ रखे कोई, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमने सुबह स्वामी जी के मुखारबिंद से रास की वाणी का श्रवण किया, जिसमें उन्होंने प्रेम सेवा के विषय में बताया। वाणी कहती है, प्रेम सेवा से पाओगे पार, ये वचन धनी के कहे निर्धार। लेकिन वो प्रेम सेवा कब होगी? जब हमें प्रियतम की पहचान हो जाएगी। और प्रियतम की पहचान कैसे होगी इस संसार में? इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए ही हमारे प्रियतम राज जी ने ये वाणी प्रकाश की अवतरित करवाई है। प्रकाश का अर्थ ही होता है उजाला करना। किस विषय का उजाला? जैसे यहाँ पे अंधेरा हो जाए तो कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, सब कुछ होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाएंगे। वैसे ही प्रकाश की वाणी के बिना धनी हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। जैसे हमारी इंद्रावती सखी के सामने धनी श्री देवचंद्र जी के तन में साक्षात युगल स्वरूप विराजमान थे, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से पहचान नहीं की। और धनी ने ऐसा हमको उपदेश देने के लिए, हमको जगाने के लिए, हमको प्रबोध देने के लिए उनके माध्यम से करवाई लीला। प्रकाश की वाणी अवतरित होती है सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद, जब मिहिराज जी का तन हफ्सा जेल में बैठा है नजरबद की अवस्था में। और किस स्थिति में है सुंदर साथ जी? घर परिवार का मान, जो कुछ भी उनकी उपलब्धि है वो सारी उन्होंने पीठ दी हुई है। एक भाई गोवर्धन भाई जिनसे उनका लगाव था, दो नाते की बात, लौकिक अलौकिक, उनका धाम गमन हो गया है। सद्गुरु जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, वो सद्गुरु से 9 साल का वियोग, 22 दिन के मिलन के बाद उनका भी धाम गमन हो चुका है। वो युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं, लेकिन वो इंद्रावती सखी पहचान नहीं पा रही है। 1712 से लेकर 1715 तक मिहिराज जी के द्वारा उनके धाम हृदय से किरंदन के वाणी अवतरित हो रही है, जब वो सुंदर साथ को प्रबोध कर रहे हैं तब। लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं कि मेरे अंदर राजी साक्षात बैठे हैं। और अब राजी ने सुंदर साथ की सेवा को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था, वो लक्ष्य भी अब दूर कर दिया। और अब वो बैठे हुए हैं हफ्सा में नजरबद्ध की अवस्था में। संसार और शरीर उनके लिए शून्य है, कोई भी उनके लिए अपना इस संसार में नहीं है। ये संसार सच में उनके लिए स्वप्न हो गया है। और वो जिंदा रहते ही जब इस संसार से मर चुके हैं और अब वो अपने प्रियतम को याद कर रहे हैं कि धनी हार्ड हुए, उनका सारा जो हड्डी है वो लकड़ी की तरह बन गई है, सिर श्रीफल अगिन विरह अगिन, उनका सिर जो है खोपड़ी वो श्रीफल बन गया है। और
विरह की अग्नि की ज्वाला है उनके अंदर धधक रही है, वो जिंदा ही एक हवन कुंड बन गया है, और आह भी सूखी अंग में श्वास भी छोड़े संग। अब इंद्रावती सखी पिया को पुकारते पुकारते इस स्थिति में पहुंच गई है कि धनी की विरह में भी अब आंसू नहीं बह रहे हैं, बस आह अंदर में ही समाती जा रही है, और अब जब उनकी आह भी सूखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, जब बिल्कुल उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग, तब युगल स्वरूप उनके सामने प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाते हैं, और अब उनको पहचान होती है, क्योंकि श्यामा जी के स्थान पर कभी राज्य की बगल में उनको धनी श्री देवचंद्र जी दिखाई देते हैं, तो कभी उनको श्यामा जी दिखाई देती है, और अब उनके हृदय से पुकार निकलती है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, आप मेरे सामने थे, आप मुझे पुकार रहे थे, आप मुझे लेने के लिए आए, लेकिन मैं आपकी पहचान ना कर सकी। और तभी वो कहती है कि सखी साह आए थे मेरे घर, वो मेरे घर आए थे सामने चल के मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए इस संसार में आए, लेकिन मैं उनकी पहचान नहीं कर सकी। और वो गलती हम ना करें इसलिए प्रकाश की वाणी हमें, इस संसार में हमारे प्रियतम की बैठक किस धाम हृदय में है वो बताती है, और उसके लिए हमें क्या करना है सुंदर साथ जी, तो ये चौपाई हमें बता रही है सकल साथ, कोई एकाध सुंदर साथ नहीं कि उन परमहंसों ने कर लिया और हम बस उसका रट्टा लगाते रहे तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, हम बस उनके गुणगान गाते रहे, हम बस बीतक सुनते रहे कि इन परमहंसों ने ये सब कुछ किया, हम उनके सिर्फ गुणगान करते रहेंगे, बखान करते रहेंगे जिस मार्ग पे वो चले हैं, तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो राह उन्होंने दिखाई है, हादी के कदमों पर कदम धरे मोमिन कहिए एह, हमें उस राह पर चलना पड़ेगा। तो ये चौपाई में राज जी हमें कह रहे हैं कि सकल साथ प्रत्येक मेरी ब्रह्मात्मा रखे कोई वचन विसारो जी, अपने वचन को कोई मत भूलिएगा। सुंदर साथ जी कौन से वचनों को याद करने के लिए हमारे राज जी हमें बता रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, हम संसार के मूल मिलावे में तो लगे ही रहते हैं जो सच में मूल का मिलावा नहीं है। कब से हमें पुकारा जा रहा है कि 3 बज गए हैं, पंडाल में आ जाइए, और फिर भी हम सबको पता है कि किस तरह से संसार से समय निकाल के हम यहाँ पर पहुँचे हैं, सिर्फ 7 दिन का अवसर मिला है, 7वें दिन सबको चले जाना है, और फिर भी हम उस अवसर का लाभ उठा नहीं पाते हैं। सुंदर साथ जी समय से हम यहाँ नहीं आ पाते हैं, और हमें उस मूल मिलावे को याद करने के लिए कहा जा रहा है सुंदर साथ जी, जहाँ हम युगल स्वरूप के चरण कमल में बैठे हैं, और हमने क्या वचन दिया था सुंदर साथ जी, हमने राज जी को कहा था अब कोटक छल करे जो माया तो भी ना छूटे धनी के चरण, अब माया चाहे करोड़ों छल बल कर ले हम पिया आपको नहीं भूलेंगे, और अब हमारी स्थिति क्या हो रही है सुंदर साथ जी, धनी कारज कारण करके वर्ष में 1 बार हमें यहाँ बुलाते हैं, और यहाँ तक आने के बाद भी हम किस की संगति कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ज़्यादा सुंदर मेरे ख्याल से अधिकतर सुंदर साथ कल आ गए थे, कुछ सुंदर साथ आज भी आए हैं, लेकिन जब से आए तब से अब तक राज्य से कितनी बार बात की, हम बोलेंगे हमने सुबह 1 घंटा ध्यान किया, क्या सच में ध्यान किया सुबह से लेकर अब तक, सब सुंदर साथ अगर सच्चे हृदय से सोचेंगे तो क्या उस धनी को, उस मूल मिलावे की हमारी बैठक को, अपनी पर आत्म को, उस भाव
को दिल में भर के हम राज जी के पास बैठे। जैसे ये टीवी चल रहा है, इस पे कोई नाटक दिखाया जाए और हम उसको स्विच ऑफ करके जहाँ बैठे हुए उनसे बात करें, लेकिन हमें तो उस नाटक में इतना मज़ा आ रहा है, उस नाटक के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि ये सिर्फ नाटक है, इसमें फंसो मत, असल आपकी मूल मिलावे में है, धनी के चरणों में है, उसे हर पल याद करो, हर घड़ी याद करो। लेकिन हम ऐसे डूबे हुए हैं, ऐसे उलझे हुए हैं उस नाटक की भूमिकाओं में कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जान बूझ ना छोड़े झूठी जीवे, तीन से रहनी ना होए बेशक। यहाँ तक आकर भी हम पंडाल तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि हम माया के नाटक में लिप्त है, जानते तो है लेकिन हमें ये छोड़ना नहीं है। हमारी स्थिति उन कबूतरों की तरह ही है जो कहते तो है, जानते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम फंसना मत। माया रूपी शिकारी आ गया है, दाना डाल दिया है, हम उसको चुग रहे हैं, जाल में फंस रहे हैं और फिर भी कहते जा रहे हैं कि लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी। लेकिन हम उस दुख को छोड़ना नहीं चाह रहे। बार बार हम सुख के निधान अपने प्रियतम को पीठ देके दुख का की निधान जो माया है उसी को पकड़ रहे हैं, और पकड़ के जब दुखी होते हैं तो उस नाटक की स्क्रीन के लिए हम रोते हैं और पाठ करके राज्जी को बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये कैरेक्टर तो मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। वाणी के प्रकाश में हम सबको ये पता चल गया है कि सुपन होत दिल भीतर रूह कहूँ ना निकसत। ये नाटक हम राज्जी के हृदय में मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठ के देख रहे हैं, जहाँ हमने धनी को वचन दिया था कि धनी हम आपको नहीं भूलेंगे, और पिया ने कहा था कि मैं तुम्हारा खावन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, वो तुम कभी ना भूलना। और हमने कहा था कि धनी सौ बेर देखो आज मायके तो भी ना भूले हम, और धनी ने सौ बार नहीं आजमाया है सुंदर साथ जी। व्रज में 11 दिन में ही हमने प्रियतम को पराया बना दिया था, तब हमारे लिए क्षमा थी क्योंकि हमें पहचान नहीं थी, हमारे पास ब्रह्मवाणी रूपी ये प्रकाश नहीं था, और फिर भी हमने प्रेम किया। व्रज में हमने कैसी चाल चली कि काम करता अति घणो पण खीण नव छोड़ियो नहीं। हम काम सब करते थे माया का, लेकिन कान्हा की प्रीत को एक पल के लिए भी हम अपने हृदय से नहीं निकालते थे। या तो हम कान्हा के चिंतन में होते थे, उसके साथ बिताई हुई पलों में होते थे, या फिर हम कान्हा के साथ होते थे। हम आपस में अगर बात भी करते थे तो बात भी किसकी होती थी? कान्हा की होती थी। और अब वाणी से हमें पता तो चल गया है, लेकिन हमारी बातें किसकी होती है सुंदर साथ जी? यहाँ पंडाल में बैठकर भी अगर किरंतन के बीच में 2 मिनट का गैप मिल जाए, फिर भी हमारी आपसी बातें शुरू हो जाती है, और वहाँ बैठ के मुझे पता होता है कि वो राज्य की बात नहीं होती है। हमने परमधाम में सिर्फ 2 वचन दिए थे जिसको निभाने के लिए हम इस संसार में आए हैं सुंदर साथ जी। 1 वचन हमने अपने पिया को दिया था कि धनी हम आपको नहीं भूलेंगे, हम हर पल आपको याद करेंगे, और दूसरा वचन हमने आपस में एक दूसरे को दिया था कि अगर तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी, और मैं भूल जाऊँ तो तू मुझे जगाना। और अब हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? अभी भी धनी ही अपना वचन निभा रहे हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग माध्यम से हमें जगा रहे हैं, हमें यहाँ बुला रहे हैं, और आने के बाद भी सोचो सुंदर साथ जी, जब व्रज से रास में गए, सिर्फ 52 दिन का वियोग है और बांसुरी बज रही है, हमें अपने नाम केवल मात्र सुनाई दे रहे हैं और हम शरीर छोड़ के निकल गई हैं,
ना हमें हमारे छोटे बालक रोते हुए दिखाई देते हैं, ना पति दिखाई दे रहे हैं, ना सास ससुर दिखाई दे रहा है, और ना ही हमारा नग्न शरीर दिखाई दे रहा है। हम ज्यों की त्यों अवस्था में अपना नाम सुनते ही निकल पड़ी हूँ। हम वही तो ब्रह्मात्माएं हैं सुंदर सा जी, आज भी। तो ऐसा क्या है कि अब हमें पहचान होने के बाद भी यहाँ तक बुलाने के लिए भी इतनी बार लगाना पड़ता है स्वयं सेवकों को पीछे। हम जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं, वाणी की चौपाइयाँ हमें याद है, टीका से हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हमारी रहनी क्या है सुंदर साची? क्या हमारे आचरण में है? हमारी स्थिति वही है जो वाणी कह रही है, तो भी घाव ना लग्या रे कलेजी, जो देखे एते धनी गुण। हम ये नहीं सोचते हैं कि इतना साल, इतनी उम्र हमने माया से बात करते करते, माया के रिश्तों को निभाते निभाते बिता दी, कुछ पल हमारे प्रियतम के लिए, हमारी आत्मा के लिए हमें मिले हैं जो हमें परम धाम में हमारा सिर ऊंचा कर सकते हैं, और वो पल भी हम कहाँ गंवा रहे हैं सुंदर साजी। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हो रही है और सबकी नज़रें वहाँ पर जा रही है। और कहा जाता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। जब हम पंडाल में बैठ के भी नज़र नहीं यहाँ पर टिका पा रहे हैं, तो और क्या उम्मीद कर सकते हैं राज्य हमसे सुंदर साजी? माया की बातों में इतने साल बीत गए, फिर भी हमें करने में इतना आनंद आता है, और राज्य को जब हम आधा घंटा भी याद करने के लिए बैठते हैं, तो क्षण ब्रह्मांड को छोड़ के बेहद में जाते ही हम कई बार वापस आ जाते हैं, जमुना जी में झीलना करते हुए भी वापस आ जाते हैं, राज्य के चरण कमल के नख के नूर को देखते हुए भी वापस आ जाते हैं। धनी सुख देना चाह रहे, एता मता जिन दिया तिन आप दिखावत केती बेर, लेकिन वो कैसे दिखे? जब हम उसके पास बैठेंगे तभी तो वो अपने हृदय के प्रेम को हमारे पर प्रवाहित करेंगे सुंदर साजी। यहाँ पे आपके लिए कुछ लेकर बैठा जाए कि आपको ये चीज़ देनी, आपको प्यास लगी, यहाँ पे पानी रख दिया जाए, लेकिन आप पानी के लिए यहाँ तक चल के आते ही नहीं हो, तो कैसे पानी पिलाया जाए? आप दौड़ रहे हो रेगिस्तान की तरफ। हमारी दौड़, हमारी सोच, हमारी चाहना, हमारी इच्छाएं अभी भी माया की है। हमारी ये आंखें माया के रिश्तों को देखना चाहती है, हमारे ये कान माया की बातों को सुनना चाहते हैं। हमारा हर एक पल, हमारा हृदय किसके लिए समर्पित है सुंदर सा जी? माया के रिश्तों के लिए। सुंदर सा काफी हद तक संभला है, लेकिन क्या इतना ही इनफ है? इंद्रावती सखी के सामने राजी कब आए हैं सुंदर साज जी? अभी हमने सुना कि जब सब कुछ छूटा हुआ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो हमारा सब कुछ है, हमारा सर्वस्व है। अगर उस सर्वस्व को पाना है तो उस इंद्रावती की सखी की तरह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे व्रज से रास में जाते हुए हमने सब कुछ छोड़ा, माया को पीठ दी, वैसे ही जब हम ध्यान में बैठेंगे तब हमें माया को पीठ देनी पड़ेगी। लेकिन वो हम कब दे पाएंगे सुंदर साची? जब हम बाकी के 23 घंटे राज्य से ओतप्रोत रहे, राज्य की याद में डूबे रहे, तब ये हो पाएगा। और यहाँ पे हमें राजी वही कह रहे हैं कि रखे कोई वचन विसारो जी, सकल साथ, सब सुंदर साथ ध्यान से सुनिए,
कि कोई भी उन वचनों को एक पल के लिए भी मत भूलना, मत छोड़ना जो आपने पिया को और सखियों को दिया था आपस में। और याद कैसे करना है सुंदर सा जी, अभी थोड़े समय पहले हमने किरंतन सुना, याद कीजिए मिलाप धनिय को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। धनी मल्या आपण ने माया मा, प्रियतम साक्षात आवे स्वरूप से इस संसार में हमारे सामने है, जैसे व्रज में भी थे रास में भी थे धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर, और फिर हमें पता ही है बीतक के माध्यम से कि वो प्रकाश लेकर किस किस तन में बैठे हैं। और राज जी ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा हम आए हैं साथ में और जागेंगे भी साथ में, धनी हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। रह न सकूँ मैं रूहों बिना, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो बेबा को। लेकिन वो कब होगा, जब हमें पूर्ण रूप से पिया की पहचान होगी, और वो पहचान हमें वाणी के माध्यम से हो गई है सुंदर साथ जी। ज्ञान से हम जानते हैं कि हमारा घर परम धाम है, हम खेल देखने के लिए इस संसार में आए हैं, हमें हर पल हर घड़ी राजी के चरणों को उनके प्रेम को याद करना है। लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? जैसे इंद्रावती सखी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान थे 1712 से लेकर 1715 तक, लेकिन वो विरह कर रही है ना। कब उनको पूर्ण रूप से पहचान हुई, जब शरीर और संसार का पर्दा हटा तब। और हमें भी, हमारे हृदय में भी राजी हैं, श्यामा जी हैं, आत्मा है, सब कुछ है, लेकिन हमें कब पहचान होगी सुंदर सा जी वास्तविक, जब हम ध्यान में हमारी परातम को देखेंगे, युगल स्वरूप को देख लेंगे, तभी हमें हमारी वास्तविक जागनी मानी जाएगी। जो भी हमने सुना, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। हम सबको पता है कि इश्क के बिना उस प्रियतम को नहीं देखा जा सकता है। लाओ प्यार करो दीदार, क्योंकि प्रेम का रबत करके हम इस संसार में आए हैं। और वो प्रेम कैसे हमारे अंदर आएगा, तो वाणी कह रही है कि ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत पलक ना पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत। हमारा जो अपना मूल मिलावा है, हम उसको याद करें। और किस तरह से याद करना है, एक पल के लिए भी पीछे सूरत नहीं फिरानी है सुंदर सा जी। ये कैसे संभव हो पाएगा, हम कहेंगे बातों में तो संभव है लेकिन यथार्थ में संभव नहीं है। तो ये हम खुद ही थे ब्रज में, जब वाणी नहीं थी फिर भी हमने करके दिखाया है। रास में भी हमारे पिया जब अंतर ध्यान हो गए थे, तब भी हमने रोते हुए भी बिलखते हुए भी राजी को पुकारा, उस लीला को किया जो उनको प्यारी लगती है, और वो सामने आए। अब हमें वाणी के द्वारा पता चल गया है कि हमारे पिया को क्या अच्छा लगता है सुंदर साथ जी, धनी जी को इश्क भावे बिना इश्क ना कछु सुहावे। हमारे पिया को प्रेम अच्छा लगता है, और वो प्रेम के सागर है हम पर लुटाने के लिए बैठे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रेम के पात्र कौन है सुंदर साहब जी। मोहम्मद साहब के रूप में जब राजी का जोश आया, तो उस समय हकीकत मारिफत के वचनों को नहीं कहा गया, क्यों? क्योंकि सुनने वाली कोई ब्रह्मात्माएं उस समय आई नहीं थी। तो फेर करी शरत कि मैं फर्दा रोज को आऊँगा तब ये बात बताऊँगा। और अब हकीकत मारिफत का वो ज्ञान जो इस संसार में आज तक ना कभी आया ना कभी आएगा, ना ब्रज में था ना रास में था, ना अक्षर की पंच वासनाओं को था, और ना ही स्वयं अक्षर ब्रह्म को था, और ना ही हम ब्रह्मात्माओं को थी वो सुध। हम मैं हक अरश में
जुदा जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। हमने परम धाम में भी राज्य से स्वयं के अस्तित्व को अलग कर रखा था सुंदर साथ जी, और यही जानने के लिए कि हम और राज्य दो नहीं हैं, एक ही है, इसके लिए हम इस माया में आए हैं और ये अवसर मिला है हमें जो अब चौथी बार नहीं मिलने वाला है सुंदर साथ जी। ये अंतिम अवसर है और इसीलिए कहा गया है कि अवसर आज तमारो जी, यही एक अवसर है जो हमें मिला है, हमें उसका लाभ उठाना है। और इसका लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना है सुंदर साथ जी? जी हाँ लगे तमे रहो रे माया माँ, जब तक आप इस संसार में इस माया में रह रहे हो तब तक क्या करना है? रखे खिण मुको रास जी, एक पल के लिए भी रास को नहीं छोड़ना है। रास को नहीं छोड़ना है मतलब रास की रामतों को नहीं सुंदर साथ जी, रास का मतलब है रास के सार तत्व को, वो प्रेम को जो सिर्फ बांसुरी की आवाज से नाम सुन के सारा संसार सुन रहा है, लेकिन सखियां हम ब्रह्मात्मा है उस प्रेम के बल पर सब कुछ छोड़ के उस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई थी जहां आज दिन तक इस संसार का कोई भी नहीं पहुंच पाया। वो हमारे लिए गौपद वच हो गया जिसको दुनिया के बड़े बड़े योगी यतियों ने क्या कहा है? भव सागर। वो ऐसा सागर है जिसको तैर के पार नहीं किया जा सकता है। वो हमारे लिए इतना आसान हो गया कि गाय के बछड़े के पैर के खुर से अगर पानी भर जाए तो जो गड्ढा होता है तो उसको क्रॉस करने में, उसको उलंघने में छोटा बच्चा भी उलंघ लेगा। हमने उतनी आसानी से शरीर और संसार को छोड़ के योग माया में प्रवेश कर लिया था, और अब हमारे पास वो वाणी है, वो पहचान है जो आज दिन तक कभी भी नहीं थी और ना होगी, जो धाम में भी हमें शुद्ध नहीं थी, वो सारी बातें हमें बता दी गई है सुंदर साची। और अब भी हम क्या कर रहे हैं? और इसीलिए धनी हमें प्रबोध कर रहे हैं कि अब जब तक माया में रहो, रास में जो आपने प्रेम निभाया था उस प्रेम को एक पल के लिए भी मत भूलना। मैं नज़रों के सामने नहीं था, आप तड़प रहे थे, फिर भी मुझे जो प्यारी थी सबसे प्यारी लीलाएं वो कर रहे थे आप। आनंदे रोता रमिए, हम रोते हुए आनंद दिखा रहे थे, वैसे ही इस संसार में रहते हुए भी हमारा हृदय हर पल हर घड़ी अपने प्रियतम को मिलने के लिए तरसे। नैना ने तरसे रे वाला जी ने निरखवा, हमारे ये नेत्र उस प्रियतम को देखने के लिए तरसे, हमारे ये कान माया की बातों के लिए ना तरसे, उस पिया की वाणी के मधुर मीठी वाणी के लिए तरसे जिससे मीठी किसी की रसना ही नहीं है। मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह हो प्यार। उस पिया के हृदय में इतनी प्रेम की मिठास है जो वो जो शब्दों में उड़ेलते हैं तो वो आवाज़ इतनी मीठी, वो प्रेम के शब्द इतने मीठे, और हमारे अंदर बैठी आत्मा भी इतनी मीठी सुंदर साची, तो क्या प्रेम की बातें होती होंगी वो। हम हमारे कान उन बातों के लिए तरसे। यहाँ पे अगर हमें थोड़ा भी समय मिलता है तो पहले तो हमें एकांत मिलता नहीं है, और राज्य की मेहर से अगर एकांत मिल जाए तो हम ढूंढते हैं कि हम किससे बात करें। अगर कोई प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देता तो हम मोबाइल ढूंढते हैं कि मोबाइल में ही लग जाए और किसी से बात कर लें। तो अब जब भी समय मिले सुंदर साजी, हम उस पिया से बात करने के लिए बैठे, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है। शरीर रहते रहते ही सब छूट जाएगा, और जो ना छूटा वो शरीर छूटते ही छूट जाएगा। एक ही चीज़ अपरिवर्तनशील है इस संसार में, और वो है हमारे पिया से हमारा संबंध और उनका हमारे लिए प्रेम, जो अनादिकाल से जैसा था अब भी वैसा ही है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा सुंदर साथ जी। तो जितना हम 1638 में आए ना श्यामा जी के साथ में ही, तब से अब तक इतना समय बीत गया है सुंदर साथ जी। अब हम प्रण करें कि हमारी पांचों इंद्रियां इस शरीर के रोम रोम को हम अपने पिया के लिए समर्पित करेंगे,
जब भी समय मिलेगा हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जीभा उस प्रियतम से बात करेगी, हमारे हृदय की हर एक सांस भी उस पिया के लिए होगी। और अब राज्जी के अलावा हमारी कोई भी चाह हो नहीं, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, एकदम से तो हमारी वो स्थिति नहीं आएगी ना सुंदर साथ जी, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जब भी समय मिले तो 25 पख ले जो आपना, तमने नहीं लोपे मायानो पास जी। जब हम परमधाम के 25 पक्षों में हमारी सुरता को बार बार ले जाएंगे, बार बार हम याद करेंगे कि कैसे हम पिया से मिलते थे, कैसे हम सात वनों में घूमते थे पिया के साथ, कैसे जमुना जी में जीवना करते थे, कैसे आकाशी महल पे चांदनी पे राज्जी के साथ लीलाएं करते थे, कैसे पशु पक्षियों का मुजरा लाल चबूतरा पे बैठकर अपने पिया के साथ देखते थे, कैसे राज्जी हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए जो पाग हुक्म मात्र से इच्छा मात्र से बदल जाती है उसको अपने हाथों से लपेटते हैं, कैसे वो हमारी इच्छा से उठते हैं बैठते हैं, अगर वो मुट्ठी भी वालते हैं तो वो हमें रिझाने के लिए कि मैं किस प्रकार से अपनी उंगली भी हिलाऊं जिससे मेरी ब्रह्मात्मा एक खुश हो जाए। अगर हमें प्रेम सीखना है तो हम राज्जी से सीखें, क्योंकि उनसे बड़ा आशिक ना कोई है ना कोई होगा। सुंदर साहब जी जो कह रहा है, इस संसार में पिया आए तो उन्होंने अपनी पहचान क्या दी, रू हो मेरे तुम्हारा आशिक। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे सतंग अक्षर ब्रह्म के एक इशारे मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त होते हैं। मैं सकल गुणों का स्वामी हूँ, मेरा परमधाम ऐसा है, मेरी साहिबी ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा सुंदर साथ जी। क्या कहा उस पिया ने, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, माशुक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम कौन। इस संसार में भी उन्होंने अपनी पहचान आशिक की बताई, क्योंकि आशिक तो वो है जिसने स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर दिया। प्रेम घली अति सांकड़ी, तामे दो ना समाए। प्रेम तो तब होता है जब हम ना रहे, हम जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ वो ही रह जाए। और धनी हमारे आशिक है, तभी तो हम उनकी रूह है। जैसे शरीर से रूह निकल जाती है तो शरीर वहीं पर गिर जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, वैसे ही पिया की रूह है हम, और हमारे भी प्राण नाथ है वो। लेकिन हम यहाँ पर भूल गए हैं तो हमारे पिया हमें इस प्रकरण के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि अब आप मुझे याद करो और माया को पीठ दो। माया को पीठ देने का एक ही तरीका है कि उस प्रियतम के प्रेम में डूबे रहो। सुंदर साथ जी एक उदाहरण है, वो हमेशा याद रखिएगा, शायद गुरु नानक देव जी ने कहा है कि एक मिट्टी का घड़ा है जो 5 छेद वाला है, उसे अगर पानी से भरना है तो कैसे भरा जाएगा, जब भी उसको पानी से बाहर निकालोगे तो उससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको भरने का एक ही तरीका है, अगर मैं उस पानी के घड़े को हमेशा के लिए पानी में डुबो के रखूँ तो उस छेद से भी पानी अंदर ही आएगा। तो जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होती है सुंदर साथ जी, तब तक हमें भी क्या करना है, हर पल हर घड़ी सिर्फ और सिर्फ राज्जी के प्रेम में, या तो हम वाणी के द्वारा राज्जी को याद करें, या हम सेवा के द्वारा उनको रिझाएं, या हम ध्यान के द्वारा उनको रिझाएं। आत्मा की जागृति के लिए प्रेममयी ध्यान, जीव की जागृति के लिए प्रेममयी ज्ञान वाणी मंथन, और शरीर को समर्पित करें सेवा में, तभी हमारी आत्म जागृति संभव हो पाएगी। सुंदर साथ जी आज तो अभी पहला दिन है और अभी भी आधा दिन शेष है,
अभी तक जीवन जो बीता वो अब एक एक घड़ी को हम ध्यान से बिताएं, इधर उधर की बातें ना पंडाल में करें ना बाहर करें, हम भोजन भी करें तो राज्य के साथ करें, उठे बैठे तो राज्य के साथ, अगर समय मिल रहा है तो ध्यान कक्ष में जाए, जितना अवसर मिला है राज्य को पता होगा सुंदर सा जी कि कैसे कैसे कारज कारण करके आप सबको यहाँ पर लेकर आए हैं, और यहाँ आकर भी अगर आप उनको याद ना कर पाओ तो उनका हृदय कैसे दुखी होता होगा। हम कहते हैं कि वो तो सर्वशक्तिमान है, अक्षाति प्रियतम, कभी दुखी नहीं होते हैं। जैसे माँ कभी, माँ तो शक्तिशाली होती है, लेकिन अगर उसका बच्चा फिसल रहा हो, माँ को तो चोट नहीं लगी, लेकिन बच्चे के फिसलने से अगर बच्चे को चोट लग रही है तो आह किसकी निकलेगी, माँ की, लेकिन माँ को तो चोट नहीं लगी है। तो ऐसी तो अनंत माओं का प्रेम भी हमारे श्यामा जी के हृदय में जो प्रेम है उसकी बूंद की बूंद की बूंद भी नहीं है सुंदर साजी। तो उनको पीड़ा नहीं होती होगी कि बार बार जब हमें कहा जाता है कि पांव पकड़ कहे इंद्रावती जिन रहो विखे रस लाग जी, इस विषय रस को अब मत लगना, ये आपको दुखी करेगी। और बार बार हम फिर भी उसी दुख के लिए दौड़ते हैं तो उनका हृदय भी दुखी होता होगा सुंदर साथी। तो अब हम जानबूझकर दुखी ना हो उस सुख के निधान प्रियतम को आत्मसात करें सुंदर साथ जी, उस प्रेममयी छवि को अपने हृदय में बसाए, और प्रकाश की वाणी जिसकी पहचान करवा रही है उससे अपनी निस्बत निभाए। अब चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। जी हाँ लगे तमे रहो रे माया मा, रखे खीण मुको रास जी, पच्चीस पख ले जो अपना, तमने नहीं लोपे माया नो पास जी, तमने नहीं लोपे माया नो पास जी। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।